वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम साइकोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी चार स्टेजेस और ब्रांचेस चेक करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। साइको इसका मतलब होता है सोल और लॉजिस मीन्स साइंस, यानी कि साइंस ऑफ सोल, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, साइको और लॉजिस, ठीक है। इट मीन साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी की चार स्टेजेस होती है, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, आप रूह की स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये चार स्टेजेस होती है साइकोलॉजी की, आप सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन वुडवर्थ ने की थी और मार्कस ने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ एक्टिविटीज की ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि एक स्टडी है एक इंडिविजुअल की साइंटिफिक रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह एनएल मुन ने कहा था कि साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर से इसका ताल्लुक है। साइकोलॉजी की टाइप्स हैं, कुछ प्योर साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। अप्लाइड में जैसे आप क्रिमिनल के हवाले से देखते हैं, इंडस्ट्रियल, या कहीं पे एनिमल्स के हवाले से, प्लांट के हवाले से चेक करते हैं। देखिए, जैसे बेसिक साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी आ गई, एबनॉर्मल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ गई, एक्सपेरिमेंटल आ गई, सोशल आ गई ना। अगर आप उसकी अप्लाइड ब्रांचेस देखेंगे तो आप एजुकेशन पे उसको अप्लाई कर लें, क्लिनिकल अप्लाई कर लें, इंडस्ट्रियल पे अप्लाई कर लें, फोरेंसिक अप्लाई कर लें, हेल्थ पे कर लें, पर्सनैलिटी पे अप्लाई कर लें किसी स्पेसिफिक जगह पे ना। एबनॉर्मल साइकोलॉजी अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। एबनॉर्मल जैसे पागल को कहते हैं ना, अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी क्या होती है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट, इमोशन, उसकी मोटिवेशन, लर्निंग प्रोसेस, उसकी थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, यानी कि जनरली जो सारी चीजें आती है साइको के अंदर, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल साइकोलॉजी, इसमें आप बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के चेक करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आप बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल में हम अनयूजुअल पैटर्न्स को, जनरल में मेन सारी चीजें के बिहेवियर में क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जैसे बायोलॉजी होता है ना, ठीक है, एक बंदे की ग्रोथ हो रही है, उसके जेनेटिक बिहेवियर के अंदर किसी भी चीज जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उस बायोलॉजी का ताल्लुक ज्यादातर फिजिकल चीजों से होता है। एक चीज बढ़ रही है उसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर के अंदर से क्या मसला आ रहा है। कोग्नेटिव साइकोलॉजी, ठीक है, कोग्नेटिव साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अब मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जैसे एक बंदा कितनी अटेंशन ले रहा है, ठीक है, उसकी मेमोरी क्या है, परसेप्शन क्या है, नॉलेज सॉल्विंग क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग कैसी है, ठीक है। आप कोग्निटिव में क्या करते हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल में उसकी फिजिकल ग्रोथ या उसके बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आ रहे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बिहेवियर के लिहाज से, एज के लिहाज से जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सारे उसमें स्टडी करते हैं। जबकि कोग्निटिव में सिंपल ऑफ मेंटल प्रोसेस को आप उसकी उसको चेंज चेक कर रहे हैं। आगे चलते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ठीक है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे आप किसी का साइकोलॉजी में आप किसी का बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप एनिमल्स और ह्यूमन के बिहेवियर को कर रहे हो, ठीक है।
क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी देखें, एक बंदा यहाँ पे है, दूसरे किसी तीसरे मुल्क में रहता है तो उसका डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, तो यहाँ के बंदे का और दूसरे मुल्क के बंदे का क्या होगा, कल्चरल फर्क होगा। तो इस तरह की स्टडी को जहाँ पे दो तीन चार पांच सात कल्चर आ जाए, इस तरह के स्टडी को क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी वेरियंस है, कितना उसमें वेरिएबिलिटी है, ठीक है, कितनी डेविएशन है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जैसे डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इसमें चेंजेस को आप देखते हैं जो उसके वुमेन के अंदर अकर हो रही होती हैं इन द कोर्स ऑफ लाइफ, जो उसकी जिंदगी के अंदर डिफरेंट साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट चेंजेस है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है जिसमें आप साइकोलॉजी को एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, ये डिफरेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इसका तल्लुक है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी बेस पे, कंट्रोल सिमुलेशन या रिजल्ट्स की बेस पे आप डिस्कस करते हैं सारी चीजें, सही है। फोरेंसिक साइकोलॉजी है ना, अच्छा फोरेंसिक साइकोलॉजी जो होती है, हम इसमें जो कॉमन पॉइंट्स है ना साइकोलॉजी और जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो वाले डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो कॉमन चीजें वो करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, आप इसमें साइकोलॉजिकल मेंटल प्रोसेस, हेल्थ, इलनेस और उसकी सेहत के लिहाज से सारी चीजें उसमें स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, आप किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर्स को या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी डील्स करती है सोशल इंटरेक्शंस के साथ, इसमें अगर एक बंदा मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उसका कैसे बिहेवियर होगा, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब भी करना है आपने। साइकोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स है ना, वन बाय वन करते हैं डिस्कशन को, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है कि आप समवन्स ओन कॉन्शियसनेस थॉट्स और फीलिंग्स को, किसी बंदे के अपने कॉन्शियसनेस उसकी थॉट्स और फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये रिलाय करती है मेन, अगर देखिए कॉन्शियसनेस, अब आप थॉट्स और फीलिंग्स को आप एग्जामिन करते हैं तो उसके लिए आपको उसकी ऑब्जर्वेशन मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप बंदे के सोल के ऊपर भी डिपेंड करती है इसी में। ऑब्जर्वेशन मेथड, देखिए इसके अंदर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिहेवियर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं सब्जेक्ट्स के बिहेवियर के लिहाज से, ठीक है। इसमें एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में वो टेक प्लेस हो रही है वो बड़ी मैटर करती है। इंसिडेंटल मैटर मेथड, देखिए ये वाला मैथड ये बेस करता है पर्सनल रिकोलेक्शन, ठीक है, ऑफ ए केस, ये अपोज टू अ साइंटिफिक मेथड, यानी कि ये साइंटिफिक स्पेसिफिक साइंटिफिक या ड्राइव्ड इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। आपको इससे आपको आइडियाज भी मिल सकते हैं फर्दर रिसर्च के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, आप क्या करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं एक या दो वेरिएबल्स को, रिसर्च करते हैं ताकि दूसरे तीसरे चौथे वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है उससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके एक दो वेरिएबल को चेंज करके तीसरे चौथे में फर्क चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल मेथड है, रैंडम असाइनमेंट्स लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। केस स्टडी मेथड, ठीक है, जैसे इसके नाम से जाहिर है हम एक स्पेसिफिक केस को लेते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं, उसकी उसकी मेडिकल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हिस्ट्री, सोशल लाइफ,
ठीक है, इस केस में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में बड़ा डिपेंड करता है, लाइफ स्पैन और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये चीजें मैटर करती हैं। क्वेश्चन ईयर मेथड ना, क्वेश्चन ईयर में क्या कहते हैं हम, एक क्वेश्चन को एक सेट, एक स्पेसिफिक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, जिसको इंडिविजुअल ने क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। उस क्वेश्चन के आंसर की बेसिस पे हम इंडिविजुअल का क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल उसका स्टडी करते हैं। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी देखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप, फंक्शन, गोल्स, स्कूल्स, डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस चेक करते हैं। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी को एजुकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं और फिर लर्नर का बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंस और उसका रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, लर्नर ओरिएंटेड बेस सारा सिस्टम होता है, क्योंकि लर्नर का एक्सपीरियंस होगा, उसका बिहेवियर होगा, उसका रिलेशनशिप होगा एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के साथ, सारी एजुकेशन के लिहाज से। क्रो ने इसका कहा था जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स and explain the learning experience of individual from birth through old age. बंदा कहता है जी, in 1973 में कि ये सारे learning experience जो बंदा बचपन से लेकर बूढ़ी उम्र तक, old age तक सारे लेता है, वो सारे उसके इसमें explain करता है। 1956 में पील कहता है जी, educational psychology is the science of education. ठीक है, education की ये science है। स्किमर्स मॉडल जो बड़ा मशहूर है, ठीक है, ये कहता है कि ये डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, वो कहता है ये एजुकेशन और साइकोलॉजी जो है ये टीचिंग और लर्निंग के साथ करती है। स्कोप ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, लर्निंग सिचुएशन हो गई, लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, लर्निंग प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टूडेंट, टीचर, एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, एनवायरनमेंट, ये जो है ना, ये छह चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें स्कोप का हिस्सा होती हैं। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें नंबर एक पे है टू अफोर्ड अ थारो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की नेचर के बारे में एक थारो नॉलेज होना चाहिए, एक क्लियर और कंप्रिहेंसिव और जो है ना एप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप उसके दूसरे नंबर है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, एम एंड प्रोसेस ऑफ पर्पज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का जो उसका नेचर है क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पज क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, टू एक्वायर फैमिलियरिटी विद टेक्निकल वोकैबुलरी, टेक्निकल वोकैबुलरी का पता होना चाहिए। टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंस नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस का सिग्निफिकेंस नॉलेज होना चाहिए। टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग लर्निंग नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिहाज से, उनकी एप्लीकेशन के लिहाज से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिहाज से। ठीक है, टू प्रेजेंट द थ्योरीज ऑफ अंडरलाइंग मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ एबिलिटी। ठीक है, सारी थ्योरीज का पता होना चाहिए, एवेल्युएशन और मेंटल एबिलिटीज को चेक करने के लिहाज। ठीक है, टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड कंक्लूजन, ठीक है, आप प्रिंसिपल और कंक्लूजन को डिपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा टू कंक्लूड करना चाहिए टीचर को सारी चीजों को रियलिस्टिक बेस पे और असेंशियल पर्पस के लिए। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। ठीक है, सिगमंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, गेल्स्टॉट है, ह्यूमनिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल स्कूल है। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म
ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट किया था वंडट ने, ठीक है। वो कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मकसद जो है कि वो एलिमेंट्स फाइंड करना जो मेकअप द माइंड, जो बंदे का माइंड बनाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स फाइंड करने है स्ट्रक्चरलिज्म में। वो चीजें फाइंड द एलिमेंट्स विच मेकअप द माइंड, जो बंदे का माइंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें इसके एलिमेंट्स इंट्रोस्पेक्शन का पता होना जरूरी है ना। फंक्शनलिज्म क्या चीज है ना, देखिए फंक्शनलिज्म, इसमें फंक्शनिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, मेंटल प्रोसेस की सारी फंक्शनिंग एंड हो द माइंड्स वर्क वाज सीन इन अ स्पेसिफिक मैटर, क्या बंदे का दिमाग किस तरह काम करता है इन अ स्पेसिफिक मैटर, ठीक है। इसमें आप सप्लीमेंट्री डाटा भी फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में जे बी वॉटसन ने प्रेजेंट किया था, कहते हैं कि जी ट्रायल और एरर के बेस पे हम क्या करते हैं जी, लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेस करते हैं ताकि हमें एसोसिएशन आ जाए बिटवीन आपका स्टिमुलस रिस्पांस तो दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसमें तीन बेसिक चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी, रीकरेंसी और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये तीन चीजें उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि कितना फ्रीक्वेंटली आप करा रहे हैं, कितना वो जल्दी रीअकर हो रहा है और लॉ ऑफ अफेक्ट कितना अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और पॉलर ने इसमें लेटर ऑन क्या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंप्लीमेंट कराई थी। सिग्मंड स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं। देखिए ये एक हॉलीवुड का बंदा था, स्क्रीन राइटर था, स्टोरीज ऑफ राइट करता था। वो कहता है कि जी हमारे पास तीन ही चीजें होती हैं, तीन लेवल्स होते हैं, एक कॉन्शियसनेस, एक सबकॉन्शियसनेस, एक अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। ये तीन डायमेंशंस हैं एक पर्सनालिटी की बेस पे, जिसमें आप उसकी आईडी, उसकी ईगो या सुपर ईगो या उसके सारे बिहेवियर का, उसकी सारी साइकोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस को स्टडी करके गेलस्टॉर्ट थ्योरी है, ठीक है। गेलस्टॉर्ट थ्योरी है, इसको किसने क्या कहा था, अच्छा इसके साथ तीन बंदे और भी थे, वो जो है ना जो उसके प्रोपोनेंट्स थे, ठीक है, जिसमें वेल्टेर, कोलकर और काफ्का थे, ठीक। इस ये कहता है कि गेलस्टॉर्ट कहता है कि जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो रिजल्ट ऑफ होल बॉटम एट सेंसिटिव, जो सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी हमारे रिलेशनशिप बताती है अपने ही पैटर्न के अंदर, ठीक है। कि आपका जो भी माइंड बनता है, जो आपका जहन बनता है, वो सारी आपकी सोचों स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी जो आपकी सोचें होती हैं, जो आपकी सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं, जो आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, उन सारों का क्या होता है, रिजल्ट होता है जो आपका दिमाग है, जो माइंड आपका बनता है, ठीक है। दे आर मेंटेन और मेंशन दैट ऑफ माइंड इज नॉट मेड अप इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, वो बिल्कुल एक सिंपल एलिमेंट्स का मंजूर नहीं होता, जो आपकी सारी एक्टिविटीज होती हैं उनका रिलेशनशिप होता है विद इन इट्स पैटर्न, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक में कार्ल लोगन ने कहा था जी, ये कहता है जी ये जो सारा होता है, आप क्या कहते हैं, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप एक बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहिए, और इसमें प्रसीव्ड थ्रेट्स और डिफेंस और रिचुअल, ये जो सारी चीजें इंसानों का उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, इसमें सारी जो चीजें होती है उसके, मतलब आपके जो सारे गोल्स होते हैं उसके सारे इकट्ठा लेके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाने की कोशिश करता है। एग्जिस्टेंशियल स्कूल क्या है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल स्कूल है, तो आप क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए, मीनिंगफुल लिंक्स इन द वर्ल्ड, अपने आप को, इंसान अपने आप को मनाना चाहता है, अपनी अपने होने का एहसास दिलवाना चाहता है,
ठीक है। तो पर्सनल अपनी आइडेंटिटी और अपने मीनिंगफुल वैल्यूज को कायम रखने के लिए एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट सारा इसके आगे पीछे चलता है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? आप डिस्क्राइब करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडिफाई, कंट्रोल एंड मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है। आप गोल्स इसके ये हैं कि डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना, प्रेडिक्ट करना। आप पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर आगे अंदाजा लगाते हैं, फिर कंट्रोल और मॉडिफाई करते हैं सारे मेंटल प्रोसेस को। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं वन फ्रॉम अनदर, ठीक है। दो तीन इंडिविजुअल्स को आपस में एक दूसरे से डिफरेंस करके बताते हैं। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिजिकल हो सकता है, ठीक है, आपकी और मेरी हाइट में फर्क है, ठीक है, या आपकी मेरी चेस्ट में फर्क है। इसी तरह मेंटल डिफरेंसेस, आप बंदे की अपनी अप्रोच होती है चीज के लिहाज से। मोटर एबिलिटी, कोई बंदा कितना जल्दी चीज को पिक कर लेता है। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, ठीक है, आपकी जिंदगी की और मेरी जिंदगी की अचीवमेंट डिफरेंस है। इमोशनल डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस अपने लिहाज से होते हैं, आप किसी और बात पे गुस्सा कर जाते होंगे, मैं किसी और बात पे करता हूं ना। इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है, एटीट्यूड कैसा है, बिलीव उसका क्या है, रिलीजन उसका क्या है, उसके ओपिनियंस क्या है, ठीक है। तो लर्नर डिफरेंसेस का हमें ख्याल रखना चाहिए, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। इंटेलिजेंस क्या चीज है? इंटेलिजेंस द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, ठीक है। एक स्पेसिफिक बंदे का एक बिहेवियर है, ठीक है, जो गोल के लिहाज, गोल की तरफ जाता है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज देखते हैं। यूनिटरी थ्योरी, यूनिटरी का मतलब वन, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर, इंटेलिजेंस जो है वो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, एक ही फैक्टर पे कंसिस्ट करती है। द फाउंड ऑफ इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस, कि उसका इंटेलिजेंस की कॉम्पिटेंस कितनी है, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी जो है, टू फैक्टर थ्योरी है कि मेंटल, एवरी मेंटल प्रोसेस एबिलिटी इन्वॉल्व्स अ जनरल फैक्टर एंड अ स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। टू फैक्टर में क्या कहते हैं थ्योरी में, कि आप एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टी फैक्टर थ्योरी है, उसमें इंडिविजुअल लेवल जो है डिफरेंट लेवल होते हैं, रेंज के लिहाज से चीजें होती है, एरिया के लिहाज से सिचुएशन मैटर करती है, थिंकिंग के लिहाज से मैटर करती है, ठीक है, मुख्तलिफ टास्क के लिहाज से चीजें मैटर करती हैं। इसी तरह ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप में आपके वर्बल फैक्टर्स हैं, स्पेशल फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वर्क फ्लुएंसी है, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, परसेप्शनल आपकी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी क्या चीज है, उसका फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।